गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी को डिफाइन करना है और एग्जांपल लेना है किसका, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का। तो देखिए वैलेंसी क्या होती है, सबसे पहले ये लिखेंगे हम, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली बाय एक्वाइंग 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच इट डोनेट्स और रिसीव और शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम। है ना, जो टेंडेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की वो ये होती है कि उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो इसको पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसी और को दे दे, या किसी और से रिसीव कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। और इसी टेंडेंसी को हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर डोनेट और रिसीव्ड और शेयर बाय अ वैलेंसी शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट सो एज टू बी स्टेबल इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है या शेयर कर सकता है वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। और जैसे ही वो शेयर रिसीव या डोनेट कर देता है तो वो स्टेबल हो जाता है बेटा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे उसकी वैलेंसी। अब जो एग्जांपल उन्होंने बोला है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर समझाइए, तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज़ 14, है ना। टोटल उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए 2, सेकेंड में आ गए 8 और लास्ट में आ गए 4। हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंसी टू पॉजेसेस एन ऑक्टल इट विल आइदर डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन और रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन, देयर फॉर द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज़ 4, है ना। तो ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। इसीलिए सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो वैलेंसी उसकी कितनी कहलाएगी, अब उसको ऑक्टल पूरा कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 2 और सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, जितने वो ले सकता है या जितने वो दे सकता है भाई उसकी क्या कहलाती है बेटा, वैलेंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। गिव एनी टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है। और उसके बाद में हमें क्या बताना है, एग्जाम्पल सॉरी यूजेस बताने हैं आइसोटोप्स के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर की। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं, जितने भी प्लस चार्जेस अवेलेबल होते हैं वो कहलाता है उसका एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। दैट इज एटम नंबर जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर अवेलेबल होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर वहाँ पर कहलाएगा। फिर आता है बेटा मास नंबर और एटॉमिक मास, या तो मास नंबर बोल सकते हैं या इसे हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके अंदर अवेलेबल होंगे उन दोनों का जो सम होगा वही कहलाएगा क्या, एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए, दैट इज़ मास नंबर ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन पी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन। दोनों को प्लस कर देंगे तो मास नंबर हमको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका आइसोटोप्स। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर उनका डिफरेंट हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट के आइसोटोप्स बनेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया है आपको यहाँ पर क्लोरीन का, है ना, सी एल।
3570 और CL 3770। तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, लेकिन मास नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे? इसके आइसोटोप्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है बेटा आइसोबार, द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सिमिलर एटॉमिक मास, है ना। अब ऐसे एटम जो कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहते हैं और उनका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो देखिए एग्जांपल के लिए ऑर्गन लिया है 40 और 80, और वहीं हमने क्या लिया है कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है 40 और 20। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर तो यहाँ पर क्या है डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर यहाँ पर सेम है। अब एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। एन आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अब जो कोबाल्ट का आइसोटोप रहता है उसका यूज़ किया जाता है। एन आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप्स होता है इज़ यूज टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ गायट्री, है ना। गायट्री के ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, आयोडीन का यूज़ किया जाता है। एन आइसोटोप ऑफ सोडियम इज़ यूज इन द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन के स्टडी के लिए हम सोडियम के आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। तो ये आइसोटोप्स की एप्लीकेशन हो गई आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दो तो कॉलम बना लीजिएगा आप इसके लिए, एक तरफ आइसोटोप्स लिखेंगे आप और एक तरफ आइसोबार लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आइसोटोप्स में पॉइंट नंबर वन है एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, इसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार में होता है एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोबार आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या होता है डिफरेंट होता है। पॉइंट नंबर टू है आइसोटोप्स में मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स में पॉइंट नंबर टू है मास नंबर ऑफ आइसोबार आर सिमिलर, इसमें मास नंबर जो होता है वो सिमिलर होता है। पॉइंट नंबर थ्री है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सिमिलर इन आइसोटोप्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार्स। पॉइंट नंबर फोर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे आइसोटोप्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट इन आइसोबार्स। पॉइंट नंबर फाइव है शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप्स जो होते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं और आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ठीक है ये पांच पॉइंट है, ये आपको आपकी कॉपी के अंदर राइट डाउन करने हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो डायग्रामेटिकली द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। अब सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर बताना है और उनके एटॉमिक नंबर भी बताने हैं। तो देखिए बेटा आपको इसके अंदर दो डायग्राम बनाने हैं। देखिए पहला डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। उसके अंदर P जो सबसे छोटा सर्कल है उसके अंदर लिखोगे P बराबर 11, मतलब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 11 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 12, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखी हुई है सोडियम एटम Na 23 11, Na इज इक्वल्स टू वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 23 में से आप 11 को माइनस कर दोगे तो 12, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर कितने बेटा 11, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 11, तो ये हो जाएगा 281। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8 और फिर लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आयन की, तो आयन में जब हम बात करेंगे तो आयन में भी जो उसका प्रोटॉन नंबर रहेगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन रहेगा 11, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन रहेगा 12 और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर बेटा 10, 11 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 10। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों डायग्राम आप बना लीजिएगा आपकी कॉपी के अंदर। द एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, दोनों का ही जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। लास्ट में पूछा है ना कि वॉट गिव देयर एटॉमिक नंबर, तो देयर एटॉमिक नंबर इज 11।